अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम ईद स्पेशल में गुर्दे और कलेजियों से कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम चलते हैं चीज़ों की तरफ। यहाँ हमने कुछ थोड़ी सी किडनीज रखी हुई हैं, थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ है, मटन का लिया है मैंने, थोड़ी सी कलेजियाँ रखी हुई हैं लिवर, और ये हमने बराबर बराबर तकरीबन लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक रखा हुआ है, कुछ प्याज बारीक काट के रखे हैं, और मसालों में नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, उसके अलावा इसमें हल्दी भी डालेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी हमने मेथी का पाउडर रखा है, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत रखा है, और उसके अलावा थोड़ा सा धनिया पाउडर भी है। साथ ही साथ इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 3 टमाटर की पेस्ट डालनी है, और थोड़ी सी दही, और ऑफ कोर्स इसमें ऑयल भी जाएगा। तो चलिए ऑयल हम गरम करते हैं पैन में, और इसके अंदर जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर हम अपना साबुत गरम मसाला डालेंगे। इसके अंदर आप जो भी डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें लौंग डाले हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च है, तेज़पात है, यानी आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हमने अपना लहसुन जो है उसी तरह छील के डाल दिया है, इसको हमने बारीक नहीं किया, और साथ ही साथ हमने प्याज भी शामिल कर दिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। थोड़ी देर हो गई है इनको भूनते हुए, ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। इसके अंदर हमने कलेजी शामिल कर दी है, और कलेजी शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे, इसका भी रंग हल्का सा बदल जाए। इस दौरान में हमने आंच जो है वो अपनी मीडियम रखी हुई है, लो भी नहीं है और तेज़ भी नहीं है। साथ ही साथ हमने इसमें गुर्दे भी शामिल कर दिए हैं, और इनको भी हम थोड़ी देर भून रहे हैं। इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 2 मिनट हो गए थे, तो हमने इसमें अब गोश्त भी जो है वो शामिल कर दिया है, और गोश्त को भी हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद इनको हम भून लेंगे। इसको भी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो इसके अंदर सारे जितने भी हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, हम उनको शामिल कर रहे हैं। चलिए जी, मसाले हो गए, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और इतनी ही देर इसको हम साथ ही साथ में भूनते भी रहेंगे। आंच थोड़ी सी तेज रखी हुई है इस वक्त, थोड़ा हिलाना मुश्किल हो रहा है। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूना है, और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 4 कप के करीब पानी जो है वो मैंने डाल दिया है, और इसको हम मीडियम से लो आंच पे हमने इसको पकाया है ढक के। और इस वक्त इसके अंदर जब ये पानी ड्राई हो गया है, हमने टमाटर पेस्ट और दही दोनों डाल दी हैं, और इसको भी डाल के हमने मुसलसल भूनना है इतनी देर तक कि इसका ऑयल हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। अब इसके ऊपर हमने गरम मसाला भी अपना छिड़क दिया है, थोड़ा सा अदरक बारीक करके वो भी डाल दिया है, और लगातार इसको भून रहे हैं। इसको मुसलसल भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो ऑयल है वो हमें बाहर दिखने लग पड़ा है। अब हरी मिर्चें हमने काट के इसमें शामिल कर दी हैं, और साथ ही साथ खुश्क जो मेथी है उसको भी हाथों से मसल के वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसको भी भूनते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम हरा धनिया जो है उसको डालेंगे, और उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्विंग डिश में निकालिए, नान के साथ खाइए, या इसी तरह खाइए, ये आपको मज़ा देगा। हमारी ज़बरदस्त किस्म की गुर्दे कलेजी की कढ़ाई तैयार है,
अपने फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह निगेबान हो आप सबका।